सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 और 7th पार्ट। ये भी बोर्ड के क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में कई मरतबा ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें न्यूमिनेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में एक यूनिक टर्म है। तो हम इसको दो टर्म अलहदा अलहदा करके लिखेंगे, दो फ्रैक्शन बना देंगे, एक फ्रैक्शन है दो। तो ये मेरे पास आ गया 3x ओवर अंडरूट x और साथ dx और 2 ओवर अंडरूट x साथ dx। ये कांस्टेंट है, इसे मैं इंटीग्रेशन के निशान के बाहर लिख देता हूँ। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो ये 1 ये ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट की पावर है यहाँ पे x की और साथ dx। और इसी तरीके से 2 इंटीग्रेशन के निशान से बाहर ले आए और ये x ऊपर जाके इसकी ताकत माइनस हाफ साथ dx। एक में से आधा माइनस करेंगे तो हमारे पास आधा ही बचेगा, यानी कि 1/2 प्लस का और dx और प्लस 2। इसको मैं एज इट इज फिलहाल लिख रहा हूँ। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन लेते हैं इकट्ठी। ये फंक्शन x है, इसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक हमने इसकी पावर में एक ऐड करना है, यानी प्लस 1। और जब मैं ऐड करूँगा 3/2 आएगा, तो 3/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसी तरीके से ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, डिफरेंशियल मौजूद है, तो हम इसकी पावर में भी प्लस 1 ऐड करेंगे। और ये एक में से माइनस 1/2 होगा, तो जमा का प्लस का 1/2 आएगा, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये 3 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 हो जाएगा। और इसकी पावर ऐड करेंगे 3/2 और प्लस 2, ये 2/1 हो जाएगा ऊपर आके। और एक में से हाफ पावर गई तो हाफ ही बचेगा और प्लस 3, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, आपके पास 2 एस की पावर 3/2 ये बच गया, ये 2 × 4 होगा और एस की पावर 1/2 और प्लस सी। ये आंसर आपका काफ़ी है, अगर आप चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं 2, ये 3/2 है, एक एक्स स्क्वायर रूट से बाहर एक अंदर, और ये 4 ये एक्स रूट आ जाएगा और प्लस सी। ये फाइनल आंसर आप यूं भी लिख सकते हैं।